Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Hina and Sufi Cares। आज मैं आपके लिए आपके जितनी भी फेस की प्रॉब्लम्स होती है उन सब के लिए होममेड रेमेडीज लेकर आई हूँ, आपकी ऑयली स्किन के लिए, स्किन पिगमेंटेशन के लिए, आपके लिप्स के लिए। तो प्लीज़ इसे ट्राई करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड करें। शुगर जो है हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। एंड 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस एंड 1 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जो आपके लार्ज ओपन पोर्स होते हैं ये उसे क्लोज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और हमारी स्किन को एक ग्लासी इफेक्ट देता है। तो इसे आप डेली बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड करें। शुगर जो है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और जो हमारे स्किन पर क्लॉग पोर्स होते हैं उसे भी ओपन करने में हेल्प करता है। इसी के साथ 1 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी मिक्स करके इसे मिक्स कर लें और रोज़ वाटर डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। कॉफ़ी जो हमारी स्किन पर सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन और पफीनेस होता है उसे भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है और हमारी स्किन का जो टेक्सचर है ये उसे भी इम्प्रूव करता है। इस स्क्रब को आप अपने फेस पर अच्छी तरीके से अप्लाई करें और इसे इसी तरीके से 15 मिनट तक छोड़ दें। सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑफ पोटैटो जूस ऐड करें एंड 1 टेबल स्पून ऑफ ग्राम फ्लावर यानी बेसन का आटा डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। पोटैटो जूस बनाने के लिए आप एक पोटैटो लें, उसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें और स्क्वीज कर लें। तो इस तरीके से आपका पोटैटो जूस रेडी हो जाए। इसी के साथ अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ हनी ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो हमारे स्किन पर पिंपल्स आते हैं वो तो इजीली चले जाते हैं, पर उसके बाद जो पिगमेंट्स होते हैं उसे जाने में बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। अगर आप इस रेमेडी को डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो जो आपके डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन होता है वो आपको बहुत ही जल्दी उसमें लाइटन और ब्राइटन फ़र्क दिखेगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑफ ग्राम फ्लावर ऐड करें यानी बेसन का आटा एंड 1 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट यानी दही ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। दही में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे पोर्स को क्लीन करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर जो एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होता है वो स्टॉप हो जाता है। इसी के साथ 1 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक ऐड करें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पर जो एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होता है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन देखेंगे और आपको बहुत अच्छा फेस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।